सुरेंद्र राजपूत जी, ईवीएम पर भरोसा नहीं है ना, हमें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, साहब किस पर भरोसा है फिर? रूबिका, आप पर भरोसा है, आप पर हमें ये भरोसा है कि कम से कम आप हमारी बात आराम से सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ऐसे छिछराई नहीं करेंगे कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं, हमने तो ये कहा कि ईवीएम के पीछे की जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सामने कर रही है, जो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, और अगर ईवीएम की निगरानी करने के लिए कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बसपा पार्टी और लोकदल वहां पर अपने कार्यकर्ता भेज रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका सहयोग करना चाहिए और शासन और प्रशासन को धन्यवाद करना चाहिए कि साहब आप भी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे स्तर से थोड़ा बोझ कम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो बिल्कुल खुखियात से गए हैं, जिस समय से पब्लिक ने, जनता ने, विपक्षियों ने उनका ईवीएम की रखवाली करनी शुरू की। भाई क्यों खुखियात रहे, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम आप भी बैठे हो, ढोल मजीरा बजेगा, हम भी बैठे। तो कौन चिढ़ा है, नाम बताइए मुझे, कौन चिढ़ा है आपकी, आपके वहाँ बैठकर निगरानी करने से चिढ़ कौन रहा है, नाम बताइए ना। मैं हाँ नाम बता दो, केशव मौर्य चिढ़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान चिढ़ रहे हैं, क्या नाम, योगी आदित्यनाथ जी चिढ़ रहे हैं। कैसे चिढ़ रहे हैं, क्या बोला उन्होंने कि आपको लगा वो चिढ़ रहे हैं? मैं बता दो, केशव मौर्य का कल से ट्वीट तो देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान की भाषा देख लीजिए, और क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन की चरण वंदना कर रहे हैं, शासन और प्रशासन की चरण वंदना कर रहे हैं, उससे सीधे सीधे से दिख रहा है कि वो चिढ़ रहे हैं, और बाकायदा चिढ़ करके कह रहे हैं कि फलाना राज है, ढिमकाना राज है, गुंडा राज है। आप हर चीज को तोड़ने मरोड़ने में बहुत बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, और वो तोड़ मरोड़ ऐसे रहे हैं आप। ईवीएम पर शिकायत, जो ईवीएम पर आपका भरोसा नहीं है उस पर बयानबाजी अलग होती है, आपकी ईवीएम को लेकर निगरानी करने पर बयानबाजी, दोनों अलग चीजें हैं। मैं कह रही हूँ आपकी निगरानी पर बयानबाजी कहाँ आई है और किस तरीके की आई है, मुझे बताइए ना। अरे कल से लेकर के रूबिका जी आपने बयानबाजी नहीं देखी, हैरान हूँ मैं। निगरानी, आप जैसे पत्रकार, निगरानी आप जैसे सुधी पत्रकार, निगरानी पर ही जब निगरानी करने के लिए कार्यकर्ता जा रहे, कह रहे गुंडों की फोर्स जा रही है, शासन पर भरोसा नहीं है, अखिलेश यादव ये हो गए हैं, फलाने ये होते हैं, इनका नहीं। अरे अब सुन तो लीजिए भाई, अनिल दुबे जी की तरफ क्यों भाग रही है? मैं भाग नहीं रही हूँ, आप एक सेकंड भाषा की मर्यादा रखिए और तमीज के दायरे में बात कीजिए सुरेंद्र राजपूत जी। मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, यहीं बैठी हूँ मैं, और किसी के पास भाग नहीं रही हूँ। सवाल पूछती हूँ और उतना मादा रखती हूँ कि उसका जवाब सुन लूँ। सुन लिया मैंने आपका जवाब और अब मुझे आगे जाना है। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं अपने हुंकार में किसके पास जाऊंगी और किसके पास नहीं जाऊंगी, 3 में ना 13 में, और कॉन्फिडेंस आपका ऐसा जैसे 403 की 403 सीटें जीत कर आ रहे हैं। अरे हमें पता है, सभी पता है, और आपके कॉन्फिडेंस का भी पता है, अपने प्रस्तोता होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। मैं कोई नाजायज फायदा नहीं उठा रही हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे इस तरीके से बात करेंगे। मैं इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मतलब मैं इधर से उधर भाग रही हूँ, यही की यही हूँ मैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।